ये एक पवित्र प्यार है। कोई नहीं जानता मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूं। ए, क्या किया तूने कमिश्नर की बहन के साथ? बताओ ना, अपने प्यार की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। नाम क्या था उस लड़की का? अंजलि, I love you. I love you. I love you, Chandu. Today's world's promise day. मेरे साथ रहोगे? Promise? मुझसे शादी करोगे? Promise? Ah. You are an animal. Yeah. But I like animals. I love you, boy. Hey, बोलो ना. Hey. बोलो ना। सर, थैंक यू। वेलकम सर। कामिनी, देखो लड़का अच्छा है नहीं? लड़का तो बहुत अच्छा है, वैसे करता क्या है ये? बैटिंग ऑन 99, वेटिंग फॉर सेंचुरी। आईपीएल में? आईपीएस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अभी तक 99 लोगों का एनकाउंटर किया है। तुम्हें याद नहीं, मैंने इसका कई बार जिक्र किया है। हाँ हाँ हाँ, ये वही लड़का है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंजलि को फोटो दिखा। अंजलि, मेरे घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करा रहे हैं। अंजलि जब मुझसे गले लगकर रोने लगी तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। अगले ही दिन उसकी एंगेजमेंट थी। मैं ये भूल गया कि वो कमिश्नर का घर था। मुझे किसी से क्या लेना देना, मुझे मेरी अंजलि चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी अंजलि चाहिए।
सीने में उतरने वाली गोली चाकर बगल में लगी, बच गया, लेकिन कानून से नहीं बच पाया। 2 साल की सजा सुनाई गई। दुख सिर्फ इस बात का था कि अंजलि मेरे बिना कैसे जिएगी, यही सोचकर मैं परेशान हुआ जा रहा था। कोई मिलने आया? मेरी वजह से तुम्हें तकलीफें झेलनी पड़ी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये मुझे पता है, पर मैंने तुमसे एक झूठ कहा था। सच ये है कि मेरी पसंद से ही मेरी शादी हुई है। क्या मतलब? मेरा प्यार तुम ही हो, लेकिन घर पर जब अच्छा रिश्ता आया तो मैं मना नहीं कर पाई। तो तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हारी आंखों में मेरी इज्जत बनी रहे इसलिए मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करके तुमसे ऐसा कहा। मुझे क्या पता था कि तुम आकर ऐसा झगड़ा करोगे। यही मेरी सच्चाई है और इसे तुम मान लोगे? तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम किसी के दबाव में तो नहीं आ गई? मैं और दबाव में? छी छी, मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर हूँ और तुम्हें क्लियरली समझाने आई हूँ। बाद में जेल से वापस आकर झगड़ा मत करना। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, अंडरस्टैंड? और मेरे पति एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, संभल कर रहना उनसे। तुम रॉक जो हो, प्रॉमिस? उसी वक्त प्यार पर से मेरा विश्वास उड़ गया। इतने सालों तक मैं ऐसी लड़की से प्यार करता रहा, ये सोचकर मुझे अपने आप पर घिन आने लगी। सिर्फ अंजलि ही नहीं, पूरी औरत जात से मुझे नफरत होने लगी। मैंने ये बात तय कर ली कि लड़की का मतलब सिर्फ धोखा। सर, यहाँ लेडी कांस्टेबल को किसने रखा है? किसने रखा है यहाँ पर? क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पहले इसे यहाँ से बाहर निकालिए। यहाँ पर हजारों मर्द है सर, कुछ भी हो सकता है। क्यों रे, क्या दिक्कत है? जयंती, तुम जाओ यहाँ। सर, जल्दी जाने को बोलिए। अरे जाओ ना। जेल में मैं पागलों जैसा घूमता था, सब लोग मुझे पागल ही समझते थे। प्रियतमा, तू मेरी जान है, तू ही मेरी धड़कन। प्रियतमा, तू मेरी जान है, तू ही। कितने दिन हुए तुझे यहाँ के? 9 महीने हो गए। इन 9 महीनों में तेरी गर्लफ्रेंड तुझे एक बार भी देखने आई क्या? नहीं आई भैया। वो नहीं आएगी, उसका कैलकुलेशन कुछ और ही है। सारी लड़कियां मैथमेटिक्स और सारे लड़के पोएट्री, तो अपनी पोएट्री चूल्हे में डाल और मुंह बंद करके सो जा। जिंदगी में ये सब चलता रहता है, अपने मन में कुछ भी मत रखना। इस संसार में बहुत सारी लड़कियां हैं, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। इस बार मिली तो आपको दे दूंगा, आप ही रख लेना। अच्छा, लेकर आओ, देखते हैं। चलता हूं सर। प्रिया प्रिया, प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे अवॉइड करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक बात, रुक जाओ प्रिया। प्रिया, मुझे अवॉइड करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बात तो सुनो, समझा करो प्रिया, सुनो। गेट लॉस्ट। पनौती निकल जाती है तो अच्छा रहता है, उसे वापस नहीं बुलाते। अरे छोड़ ना यार, फालतू में हीरो बन रहा है। प्रिया, प्रिया बात तो सुनो। ये नहीं सुधरेगा। नौकरी के नाम पर मुझे कलकत्ता लेकर आ गए और मुझे ये शहर कभी रास नहीं आया। अरे बेटा, तुम आ गए? कैसे हो तुम बेटा, कितने कमजोर हो गए हो। बाहर निकलो यहाँ से।
मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुम्हारी वजह से सर झुकाकर चलना पड़ता है मुझे। तुम्हारे जेल जाते ही मैंने तुम्हारे नाम का तर्पण कर दिया था। ना तो तुम मेरे बेटे हो, ना मैं तुम्हारा बाप। अब छोड़िए भी, ये हमारा बेटा है। अरे तुम्हारा बेटा अब मर चुका है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या? ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब वो जाने को कह रहे हैं तो तुम क्यों रोक रही हो माँ? चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूँ। तुम उनकी बातें मत सुनो बेटा, तुम्हें पता है मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें पता है ना। तो फिर रहो यहीं पर, मैं किसी भी तरह जी लूंगा। अरे तुम तो जी लोगे, पर वो कैसे जिएंगे? वो कौन? वो कौन मुझसे पूछ रहा है? वो कौन? पापा, जानता नहीं तू किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ? नहीं पापा, मुझे पूछ, पापा मत मारिए। पापा कौन है वो बताइए। इतनी जल्दी भूल गया? राक्षस कहीं का, उस कांस्टेबल को इतनी बेरहमी से मारा, उसकी दोनों टांगें टूट गई, वो खाट पे पड़ा है। उनकी हालत के बारे में तुझे पता भी है? उस परिवार को बर्बाद कर दिया तूने, तूने कितना बड़ा अनर्थ किया पता है? एक खुशहाल परिवार रोड पर आ गया है तेरी वजह से। अपनी मनुष्य शक्ल लेकर जाओ, जाओ यहाँ से। रुक जाओ बेटा, ये आपने क्या किया? देखिए वो जा रहा है। बेटा मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। देखिए ना वो जा रहा है, आप उसे रोकिए ना। आप क्या कर रहे हैं? जब पापा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये सुनकर दुख भी बहुत हुआ कि मेरी वजह से उस कांस्टेबल का परिवार मुसीबत में है। कौन चाहिए? आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। सॉरी। सॉरी कहने आए हो? मेरी हालत देखी है तुमने? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? गुस्से में मैंने अपना होश खो दिया था। तुमने क्या किया है पता है? हमारी जिंदगी खराब करके रख दी। आज के बाद आप सबको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोने की जरूरत नहीं तो हंसे, लेकिन किसके लिए हंसे? क्योंकि आज के बाद आप ही मेरी फैमिली हैं। मैं आप सबका ख्याल रखूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। ये लीजिए, जेल में मेरे कमाए हुए पैसे। दफा हो जा। क्यों रे, हमें रिश्वत दे रहा है? कितने मर्डर करके कमाया है तूने? हैं? क्या लगा तुझे भिखारी है? माँ, हाँ? पैसे वापस करो पैसे। हमें नहीं चाहिए पाप के पैसे। लेकर जा, चल जा। निकल यहाँ से। उठ यहाँ से। चल यहाँ से। रिश्वत देकर हमें खरीदना चाहता है? चल निकल। निकल जा, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। शक्ल मत दिखाना। खिड़की खोलो या बंद करो, मैं ही दिखूंगा। यहीं पर पड़ा रहूंगा। उसकी बकवास मत सुनो, खिड़की बंद करो। भैया, एक नया आदमी यहाँ पर रहना चाहता है। अरे ओ लंबू, इधर आना। टेक योर सीट। यहाँ रहने आए हो? हाँ। तुम्हें यहाँ रहना है तो रेंट भरना होगा। ओके। वन मंथ एडवांस। रोज का कितना? डेली 20 रुपीज। गिव इट टू हिम। इंग्लिश तो अच्छी बोल लेते हो। वैसे करते क्या हो? भिखारी हूँ, लंदन रिटर्न। लंदन में बर्बाद हो गए थे क्या? अरे पागल हो गए क्या? वहाँ पर भी यही बिजनेस था। पर यहाँ? देश का प्यार मुझे खींच लाया। ये देखो, इनको बदलने आया हूँ। आई हेट इंडियन बेगर्स, दे डोंट हैव कॉमन सेंस। अच्छा सुनो, तुम लोग कैसे भीख मांगते हो दिखाओ। स्टॉप। नास्टी फेलोज। और तुम कैसे भीख मांगते हो? आई लाइक दिस क्वेश्चन। नो नो वुमन नो क्राई, नो नो वुमन नो क्राई। और फिर स्टाइल से हैट निकालकर उनके सामने रखता हूँ। कोई भी कॉमन सेंस वाला बेवकूफ 10 रुपए जरूर डालेगा। देखा, तुमने भी डाल दिया। थैंक्स। मम्मी, वो अभी भी यही है, पता नहीं भिखारियों से क्या बात कर रहा है। ए, तुमने फिर से खिड़की क्यों खोली? चलो पढ़ाई करो। भैया चाय। आप क्या सोच रहे हो भैया? यही कि इन चारों को पालूंगा कैसे। चार नहीं, पांच। पांच कैसे? आपने जिस आदमी को पीटा था ना, उसकी फैमिली का बर्डन किस पे आया पता है आपको? उस आदमी की बहन पर आया।
वो भी मेरी तरह लंदन या अमेरिका में सेटल हो गई होती, लेकिन वो भी मेरी तरह यहाँ वहाँ गाना गाती रहती है, मेरा मतलब क्लब में। हम दोनों एक जैसे। उस लड़की से बात करनी है, कहाँ मिलेगी मुझे वो? शाम को फ्यूजियो कैफे जाओ, तुम्हें वही मिलेगी। क्या नाम है उसका? अंजलि। अंजलि? जिस नाम को लेकर मुझे इतनी नफरत है, तुमने उसी का नाम ले लिया? अंजलि। बाय, सी यू। हेलो। ओके। लो इसे पकड़ो। ऑटो, जल्दी चलो, चलो चलो। हेलो, ए छोटो, आओ फास्ट। चलो ऑटो को फॉलो करो, चलो। भैया फास्ट आगे चलकर बाएं मुड़ो। ठीक है मैडम। भाभी, भाभी। क्या हुआ बेटा? वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था और वो मुझे पैसे भी दे रहा था। पता है तुम्हारा भाई आज अपाहिज है सिर्फ इसी की वजह से। चलो तुम अंदर जाओ बेटा, इस बदमाश को तो मैं देखूंगी। क्यों रे, जिंदगी से प्यार नहीं है? पैसे दे के बच्ची को बहला रहा है? हा? मुझे दिखा है? इतने से पैसों से हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? हमने लाखों खर्च कर दिए हॉस्पिटल के लिए, नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए। अगर तुझमें इंसानियत है ना, तो सूटकेस भर कर ला। इतने से पैसे देकर बहलाता है। ए बुढ़िया, ए जवानी में तुमने किसी से प्यार करके उसे धोखा देकर किसी और से अरेंज मैरिज किया ना? तुझे कैसे पता? मेरी एक एक्स थी, जब वो बुढ़ी होगी ना तो तुम्हारी तरह होगी। तुझे ऐसा क्यों लगता है? हाँ? एक और बंडल पड़ा है, चाहिए? हाँ, देना। तेरी लालची कहीं की। बुढ़ी और इसका बेटा दोनों डेंजर है, बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर तुम्हें इन पांचों को संभालना है तो बड़ी जॉब करनी होगी, वरना ये धंधा कैसा रहेगा? चुप रहो, जरूरत नहीं है, मैं जॉब ही कर लूंगा। जो भी तुम्हारे पास है सब बेच कर भरना होगा। मेरे पास बस इतना ही है, अब मैं और क्या बेचूं? इसके बाद मेरा क्या होगा? ये डायलॉग मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। सर, आप तो देख ही रहे हैं ना, मैं और अंजलि कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो। टाइम नहीं है मेरे पास। हमारी जिंदगी ही चार दिन की है। अगर तुम्हें टाइम दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? ऐसा मत कहो, तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो। बेकार रिश्ते मत बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे जैसा नहीं हूँ, और ना ही तुम मेरी माँ जैसी हो, क्योंकि मेरी माँ बहुत लंबी और गोरी थी और तुम तो बहुत ठीक नहीं हो। तुम्हारे भाई को देखो कैसा हो गया। वो मेरा भाई बिल्कुल नहीं है, दाढ़ी बढ़ाएगा तो क्या मेरा भाई बन जाएगा? ऐसा मत कहो बेटा, हमारे रंजीत बाबू से 1 किलो तेल मंगवाया है मैंने, रोज उसकी मालिश करती हूँ, कुछ ही दिनों में ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसके ठीक होते ही हम तुम्हारा उधार चुका देंगे। जब आप पैसे लेने आई थी तब भी ऐसे ही रो रही थी, अब चुकाने की बात आई तब भी ऐसे ही रो रही है। अरे थोड़ी तो वैरायटी लाइए। इन आंसुओं को देखकर तुम्हारा मन नहीं पिघल रहा? नहीं पिघल रहा, बल्कि पत्थर की तरह और कड़ा हो गया। अरे कितनी बार फोन किया, किसी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया, और अब कहती हो टाइम दो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, सब कान खोल कर सुन लो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना कल तक घर खाली कर देना। ठीक है ठीक है, अब जब भी तुम फोन करोगे तो हम फोन उठाएंगे। अब इतना मक्खन मत लगाओ अम्मा। कल कल बोलते बोलते क्या कब्र तक पहुँचाओगी? मेरी बात सुन लीजिए हवलदार साहब, बस 1 महीने का वक्त है आपके पास, मकान के कागजात मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसे बेच कर चला जाऊँ। उनके उधार की बात मुझे पता चली तो मैं सीधे उस साहूकार से मिलने चला गया। वो पैसे मैं भर दूंगा, उनको परेशान मत करना। तुम क्यों भरोगे? क्योंकि उस हवलदार की टांगे मैंने तोड़ी थी। ठीक है तो भर दो। एक काम कीजिए, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। ए, तुमने उस हवलदार की टांगे तोड़ दी थी इसलिए मैं जरा सा सोच रहा हूँ, अगर कोई और होता ना फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरी पहुँच कहाँ तक है। क्यों रे, पैसों के लिए मेरे घर पर आकर बकवास कर रहा है? मेरी मर्जी होगी तो दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं दूंगा। तूने पैसे लिए हैं या नहीं? लिए हैं। वापस चुकाने हैं या नहीं? नहीं चुकाऊंगा। नहीं चुकाएगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू मेरी टांगे तोड़। चुकाएगा या नहीं? ए, उसका पैर मत तोड़ देना, वरना ये भी पैसे मुझे और देर से देगा। छोड़ दे उसे। अरे छोड़ दे उसे। अरे चुका दूंगा, मुझे छोड़ दो। पैसे भर दे और गाड़ी ले जा। ठीक। सुन,
ऐसे उधार खाने वालों की बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। इसी स्टाइल से अगर वसूल करवा दिया तो 10% दूंगा तुझे मैं। आज से तुम ही मेरे रिकवरी एजेंट हो। मुझे वो लिस्ट दिखाइए। अरे वो जरा लिस्ट लेके तो आना। ये ले पकड़ इसे। इतना ही नहीं, मुझे और काम चाहिए। मेरे पास 100 ऑटो हैं, एक तुझे देता हूँ, जा चला। चलाऊंगा, मुझे एक और काम चाहिए, 5 लोगों को पालना है वहाँ। अरे थोड़ा जमीन पे पांव रख, एक ही रात में अरबपति बनना चाहता है क्या? पहले इतना तो कर ले। जिसको तू अभी फोन कर रहा है ना, ये तेरा फोन उठाएगा ही नहीं, और अगर इसे उठा भी लिया तो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि ये कहाँ है। सर, आपके लिए पार्सल आया है। पार्सल कहाँ से? हांगकांग से। तो फिर ले आ। अभी कहाँ हो? इंदिरा नगर में। ठीक है, आ रहा हूँ। थोड़ा होशियार है। पार्सल कहाँ है? देना। सेठ जी से पैसे लिए हैं या नहीं? वापस कब करेगा? मुझसे पैसे मांगता हूँ। लाता हूँ। सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। चल निकाल, निकाल। शाम तक देता हूँ। निकाल, ले लो भाई, ले लो। सर, आपका एक पार्सल आया है। निकाल, निकाल पैसा। किसके बारे में पूछ रहे हो पता है? अंजलि, कालीघाट की अंजलि। अंजलि का नाम लेने से पहले भी लोग डर। अंजलि, निकाल पैसा, पैसा निकाल। आदमियों को मारने से ज्यादा इस अंजलि को मारने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। मेरी इन बातों को लेकर मुझे गलत मत समझना, क्या करो, मेरा काम ही यही है। यूजलेस फेलोस, किसने कहा? कौन कहता है कि भिखारियों का मतलब फटे पुराने कपड़े और गधों जैसी शक्ल होती है? किसने कहा? भिखारी कैसा होना चाहिए? उसको देखते ही प्यार हो जाए, तुम्हें देखते ही तुमसे बात करने का मन करे, चेहरे पर मुस्कान, हाथ में ढोलक हो और मुंह पे अच्छा गाना, देखने वाले अच्छा फील करते हैं। गंदी शक्ल के सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं और तुम वो सब छोड़ के बस हाथों को आगे करके दे 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 भीख मांगते हो। शर्म नहीं आती? वो देखो सामने, वो कौन है हम नहीं जानते, वो कितनी मुसीबत में है हम ये भी नहीं जानते। पीपल आर गिविंग मनी, व्हाई? कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, मैनेजमेंट पढ़ा करो। ऑटो चला रहा हूँ तुम्हारे लिए, चलो। मैं नहीं चलूंगी। 1 घंटे से रुका हूँ, अगर चलोगी तो घर पे ड्रॉप कर दूंगा। मैं नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? तुम्हें देखते ही घिन आती है मुझे, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे घर के बाहर डेरा डालकर बैठे रहते हो, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा जी करता है कि जब तुम सो रहे हो एक बड़ा सा पत्थर लेकर तुम्हारे दोनों पैरों पर मारकर तुम्हें अपाहिज कर दूं। फेस पर जितना इनोसेंस है अंदर उतना ही वायलेंस है, इसलिए मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है, और ऊपर से तुम्हारा नाम अंजलि, उसकी याद आती है तो गुस्से से मेरा सिर फटने लगता है। अब चुपचाप बैठ जाओ, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगी। उससे अच्छा इसी में बैठ जाओ और वो पैसा मुझे दे देना। मैं तुम्हारे ऑटो में नहीं बैठूंगी। चलो बैठो। ए, तुमने चाकू क्यों निकाला? पुलिस, पुलिस। जरा फिर से चिल्लाना। पुलिस। पैसों के लिए गाने वाने का काम छोड़ के किसी अच्छे लड़के से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाओ, तुम्हारी फैमिली को मैं देख लूंगा। अच्छी दिखती हो, ऑलरेडी 1-2 लड़के तो लाइन में खड़े ही होंगे, है या नहीं बताओ? 1 से ज्यादा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए तो कॉमन बात है, बगल में 1 और स्टैंड बाई के लिए 1। तुम सब इंसान हो या जानवर? मंदिर के सामने पीते हुए शर्म नहीं आती? जब भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? शाना है क्या तू? ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या तेरे को? एक तो गलती की ऊपर से मुझे ही मार रहे हो। अच्छा, छोड़ो। क्या गलती की है? कंप्लेंट करूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा, तू मेरी कंप्लेंट करेगा? सुनो बेटा, देखो ये मुझे मार रहे हैं। क्यों रे, ये तेरा बाप है क्या? आज से ना तो मेरा बेटा ना मैं तेरा बाप।
नहीं। मैंने पी रखी है या तूने पी रखी है? राह चलते किसी को भी अपना बेटा बुला रहा है, है? ये क्या बोल रहा है बेटा? ए, उसके पीछे क्या छुप रहा है? जा रहे, आज यही अपना एंटरटेनमेंट है, ले क्या? ए, इधर आ। ये तो तेरा बाप नहीं है? बाप नहीं है, लेकिन अगर कोई मजबूर होकर मदद मांगने के लिए मेरे पास आता है तो उसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। सर, वो सच में आपका बेटा है क्या? हाँ, ये मेरा ही बेटा है, मेरा। बाप बेटे में कहाँ सुनी हो जाती है। मैंने कुछ कह दिया तो घर छोड़कर चला गया, ये ऐसा कोई करता है भला? है क्या हुआ? पसंद आ गया क्या? गोद में क्यों सुला कर रखा है? फेंको उसे। सामने आ, पीछे की छुपा है। पीछे छुपने वालों को आपका मरते हैं ना भाई, जा यहाँ से। ठीक है भाई। ये मत समझना कि मुझे बचाने पर मैं तुम्हें घर बुला लूंगा। आपके लिए पार्सल है। पार्सल? सेठ जी को पैसे देने हैं, पैसे निकालिए। पर मेरे पैसों से तुम्हें क्या लेना देना? वैसे भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो मुझे वसूल करना आता है। माँ ने लॉकर में सोने की चैन रखी है ना, आकर ले जाऊंगा। ए, कौन है ये लड़की? आप ही का गिफ्ट है, आपकी वजह से मिली है। कांस्टेबल के पास भेजा था ना, तो वहाँ मिल गई। एक तो गर्मी से हालत खराब है और ऊपर से एक ग्राहक नहीं मिला, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इतनी सारी तकलीफें सिर्फ अंजलि की वजह से मुझे मिली हैं। यही मैं सोच रहा था कि उसी वक्त मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। भैया एक ग्लास दे दो। सॉरी, तुम जेल से बाहर कब आए? कितने दिन हुए तुम्हें देखकर? और ये क्या कर रहे हो? तुम ऑटो क्यों चला रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? एमबीए की पढ़ाई करके ऑटो चला रहे हो तुम? हाँ, अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम? क्या कहा? बर्बाद? हाँ, बर्बाद किसने किया? तुमने किया? क्या हुआ अंजलि, ऐसे भाग क्यों रही हो? रनिंग रेस। रनिंग रेस? पर किससे? उषा। पीटी उषा से? अरे बाबा, मेरी फ्रेंड उषा, मेरी क्लासमेट, हमारी शादी में भी आई थी, जिसने पिंक ड्रेस पहना था। पिंक ड्रेस? अरे वही जिसने आपको हॉट एंड हैंडसम कहा, स्मार्ट कहा, याद है ना? भूल गए क्या? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है? वो अपनी शादी की फोटोज में होगी ना? अगर होगी ना तो भी नहीं दिखाऊंगी, वैसे भी उसकी बुरी नजर तुम पर ही है। इसलिए उसे कभी घर पे भी नहीं आने दिया। ये तो गलत बात है ना, बुलाओ ना, अगर फ्रेंड है तो बुलाना चाहिए ना। इस सैटरडे या संडे बुलाओगी तो हम कुछ प्लान करेंगे। पिंक ड्रेस वाली है कौन? सर, आपके लिए एक पार्सल आया है। नमस्ते सर। क्या है? सर एक आदमी है, पैसा लेने के बाद दे नहीं रहा है और बात करो तो धमकी देता है, बताइए मैं क्या करूं सर? उसे उठाकर अंधेरे में ले जाओ और चार जम के लगाओ, पैसे दे देगा। ऐसा करने पर कोई प्रॉब्लम हुई तो? प्रॉब्लम गई तेल लेने, क्या कोर्ट के चक्कर काटोगे? ऐसे केस को ऐसे ही हैंडल करो। नहीं सर, वो बड़ा आदमी है। ए, बड़ा है तो क्या, काहे का बड़ा है? वो जानबूझकर गलतियां करेगा तो भुगतेगा। नाम क्या है उसका? दिलीप कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ये तो मेरा ही नाम है। सेठ जी से जो तुमने पैसे लिए हैं
उसमें से तुम्हें और इतने भरने हैं। अरे तेरी तो पुलिस वाले से ही पैसे मांग रहा है तू? आप ही ने तो कहा था ना सर कि उठा लो उसे, तो आपको उठा लिया सर। मेरा हाथ छोड़। ये क्या चल रहा है? इसे चर्बी चढ़ गई है सर। सर आई एम वर्किंग फॉर अ रिकवरी टीम। जिस तरह आपके डिपार्टमेंट में टारगेट होते हैं उस तरह मेरे सेठ ने मुझे टारगेट दिए हैं। ये आदमी अपना उधार नहीं चुका रहा है, जब मांगा तो मुझे पुलिस वाला होने की धमकी दे रहा है। क्यों, पुलिस वाले पैसे भरते नहीं है क्या? कितना पैसा बाकी है इसका? बहुत पैसा बाकी है सर, फिलहाल 50,000 तो देने ही होंगे। जेब में कितने हैं? सर जेब में कितने हैं? 20,000 हैं सर। तो बाहर जाकर अपने दोस्तों से इकट्ठा करके इसे दे दो। सर लेकिन इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, डिपार्टमेंट में अगर एक हीरो है तो सारा डिपार्टमेंट हीरो नहीं बनता। तुम्हारे जैसे आदमी की वजह से सारे डिपार्टमेंट की इज्जत जाती है, तो हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए इसे 50,000 दे दो। ओके सर। सिट डाउन। टी या कॉफी फॉर यू? टी बट ग्रीन टी। सो तुम कांस्टेबल की फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हो, गुड। तुम्हारे बारे में मेरी बहन ने क्या कहा है पता है? ओ भैया वो तो एक गुंडा है, अक्सर मुझे परेशान करता रहता है। एक नंबर का पागल है वो, बिल्कुल पागल। मेरी बहन ने जो कहा वो मुझे सच लगा। मुझे तुम सड़क छाप लोफर ही लगे, पर एंगेजमेंट के दिन जब तुमने हमारे 20 पुलिस वालों को सरेआम मारा तब मैंने देखा तुम्हारी आंखों में प्यार। तब मुझे पता चला कि तुम प्यार में हो। मेरी बहन ने मुझसे झूठ कहा। सर उसके बारे में बात मत कीजिए। माय फ्रेंड, मेरी बहन के ऊपर तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की को अगर दो ऑप्शन दो तो वो बेटर ऑप्शन पर ही क्लिक करती है। तुमसे अच्छी पोजीशन पर मेरा बहन हुई है तो उसने उसी को चुन लिया। यू सी इन लाइफ एवरीबडी वॉन्ट्स द BBD, द बिगर बेटर डील, इट्स नेचुरल। तुम्हें भी अगर कोई अच्छी लड़की दिखाऊं तो तुम उसी से शादी करोगे ना? इतना सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो, ये सब तो मामूली बात है। यू कांट चेंज द पास्ट, लुक अहेड। मे आई कम इन सर? सर प्लीज वेरीफाई दिस केस। सर तू यहां क्या कर रहा है? सर ये यहां पर क्या कर रहा है? तू जेल से कब छूटा? फिर लड़की का चक्कर है क्या? अगली बार कोई गड़बड़ की तो वहीं ठोक दूंगा तुझे। सर इसे यहां बिठा के क्या बातें कर रहे हैं? ऊपर से इसे ग्रीन टी पिला रहे हैं। 2 साल की जेल के बाद एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, क्यों? हैव अ सीट। खुद की पत्नी के बारे में ये खुद ही नहीं जानता, तरस आ रहा है बेचारे पर। द थियरी बिहाइंड बेगिंग, इस संसार में सभी भिखारी हैं, लेकिन सब में सिर्फ एक फर्क है। वो मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं और हम मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, और वो वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, प्रमोशन मांगते हैं। भीख मांगना एक कला है, दे 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 ऐसे नहीं, एक स्टाइल होना चाहिए। ए, रुक जाओ, रुको, अरे रुको, सुनो। देखा, उसे भीख मांगना भी नहीं आता लेकिन वो कोशिश कर रहा है। वो देखो सामने, उसने किसी से भीख नहीं मांगी फिर भी लोग उसे दे रहे हैं, इसे कहते हैं स्टाइल। भैरी हो क्या? कोलकाता बिरयानी लेकर आया हूँ, फैमिली पैक। कब से कह रहा था इसे लेने के लिए, ये लो। मटन है या चिकन बेटा? माँ चिकन हो या मटन तुम्हें क्या? इसकी इतनी हिम्मत, ए, बाहर निकलो। बात वो नहीं है, आज त्योहार है ना तो सारे लोग मिलके खाएंगे ये सोच के लाया। वी नो हाउ टू कुक बिरयानी, वी नो हाउ टू ईट बिरयानी, वी इवन नो हाउ टू बाय बिरयानी। डू यू हैव एनी कॉमन सेंस और नॉट? क्या समझते हो अपने आप को, हीरो हो क्या? मैं हीरो नहीं हूँ, विलन हूँ, और विलन कैसा होता है ये आज दिखाई देता हूँ। ए बुढ़िया पकड़। हाँ? इंग्लिश बोलती है हाउ टू ईट बिरयानी। रुको 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 रुको।
इतने प्यार से लाया हूँ, चुपचाप खा नहीं सकती, बड़बड़ कर रही है। क्या कर रहा है तू? सब तोड़ दूंगा। अब अगर ये बिरयानी नहीं खाई ना तो तेरे भाई का सर फोड़ कर रख दूंगा। सर, एक आदमी हमको जबरदस्ती बिरयानी खिला रहा है, प्लीज सर कुछ कीजिए। येरा, क्यों भाई बहुत हवा में उड़ रहा है तू? सर अरेस्ट करो उसे, ये हम सबको टॉर्चर कर रहा था। क्यों बे, पुलिस वाले को ही टॉर्चर करता है। बाहर रहना पसंद नहीं तुझे, फिर से अंदर कर दूं के? देखा, तुझे लगा मेरे पीछे कोई नहीं है, पूरा डिपार्टमेंट है मेरे पीछे। डिपार्टमेंट पीछे है? घंटा मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा? किसी ने एक रुपया भी दिया तुमको? किसी ने कभी आकर तुम्हारी खैरियत पूछी? हाँ बोलो ना, उन पर कितना उधार है पता है क्या? ये तो इसे भी नहीं पता, आज बता रहा हूं। 70% उधारी मैंने खत्म कर दी। और ये बच्चा, इसकी स्कूल फीस मैंने भर दी। और वो बुढ़िया है ना, दुनिया भर के बहाने बनाकर मुझसे पैसे लेती है। आज मैंने सोचा कि सबके लिए बिरयानी लाऊं, तो तुमने इनको फोन करके मेरी कंप्लेंट कर दी, और ये 20 लोग लाठियां लेके तुम्हारी मदद करने के लिए दौड़कर चले आए। अच्छा है मेरे अंदर इंसानियत है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। किसने कहा तुम्हें मदद करने के लिए? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहन जी, उस दिन यही आपका पति इन 20 लोगों को लेकर मेरी टांगे तोड़ने के लिए आया था। अगर उस वक्त मैं चुप रहता तो सच में ये मेरी टांगे तोड़ देते, जिसका दर्द सिर्फ वही जाने। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो जिस तरह तुम लोगों को मैंने मारा था और इसकी टांगे तोड़ी थी, वैसे ही आज भी करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे से सोच लेना। अरे ये सच बोल रहा है के? क्यों मैंने कंफ्यूज करने लाग रहा है? उसने जो किया सही किया मुरली, वो थारे परिवार के लिए सही कर रहा है। तेरे घर छोरी सा, इसलिए पूछने लाग रहा हूँ। ए छोरी, यो तने कदे तकलीफ दी के? नहीं सर। कोई उल्टी सीधी हरकत की? नहीं सर। रे तो फिर गलती क्या है इसकी? मेरा कहा सच है या नहीं ये पता करने के लिए अंजलि सेठ जी के पास दौड़ कर गई। ये लड़कियां झूठ को सच मानती हैं, पर सच को कुछ नहीं। हमारा उधार क्या सच में उस लड़के ने चुकाया? हाँ सच में चुका दिया, बस थोड़ा सा बाकी है, पर अब तुम्हें घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात सुनो बेटा, मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ, इसलिए एक सलाह देता हूँ, उस लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तुम्हारे उधारी के पैसे चुका रहा है। आज के जमाने में कौन इतनी मदद करता है? मैं तो बस एक सलाह दे रहा हूँ, अब मर्जी तुम्हारी। वैसे मुझे तो लड़का हीरा लगता है, अगर तुमने मना कर दिया ना तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। बेटा बेटा, कहाँ हो तुम? माँ इधर। ये देखो आ गई मैं। तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना, बोल दिया मैंने उन्हें। उस खड़ूस आदमी के साथ कौन रहेगा भला? मैंने उनसे कह दिया कि आज से मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगी, बोल कर चली आई मैं तो। देखो अपना सूटकेस भी साथ लाई हूँ। ये सब कौन है? मेरे सपोर्टर्स हैं। सपोर्टर्स हैं? अब और ये कौन है? ये मेरा रूममेट है। हेलो। अच्छा सुन, आज तेरा जन्मदिन है ना, तो तेरे लिए मंदिर जाकर आई मैं और तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। ये ले। ये कौन सी राइस है माजी? ब्लेसिंग राइस है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। माँ मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहा है? माँ भगवान की ब्लेसिंग हम पर रहे या ना रहे, 4 दिन में तो दुनिया छोड़कर जाना ही है। यहाँ हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है वही भगवान है, हम नहीं। मेरी ब्लेसिंग भी उसे दे देता हूँ,
उससे कहना कि यहीं पर रहे। अरे अरे, भगवान का अपमान नहीं करते बेटा। अगर उनका आशीर्वाद हम पर रहे तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। खुशहाल? हाँ। इस दुनिया में 4 करोड़ लोग अंधे हैं। किसी एक की दोनों आंखें दिलाकर दिखा दे तो तुम्हारी बात मान लूंगा कि इस दुनिया में भगवान है। ना तो भगवान है और ना मदद करेगा। चाहो तो अपनी ब्लेसिंग मुझे दे सकती हो। 100 साल जियो। और मुझे 100 साल नहीं चाहिए, 80 साल काफी है। ठीक है, जितना तू चाहे उतने साल जी। मेरा आशीर्वाद तो यही है, अच्छे से फलो फूलो। अरे अभी तो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग नहीं। कौन गाएगा? आप आइए ना नीचे। दरअसल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आइए नीचे। माँ, तुम्हें गाना है तो गाओ, अगर वो गाएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। रोज रोज बार में उसकी आवाज सुनकर मैं पक गया हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो काटो। चलो चलो, अब ये मोमबत्ती बुझाओ और केक काटो। बुझाओ बुझाओ। चलो रे। ये क्या है माँ? ये बैग तो खाली है। इस बैग को देखकर तुम प्रसाद खा लोगे, इसलिए तुमसे झूठ कहा। तुम्हारे पापा को छोड़कर रह सकती हूँ भला? चलती हूँ। मुझे बेवकूफ बनाया? जाओ जाओ यहाँ से। सारी औरतें एक जैसी हैं। लड़की ने भी धोखा दिया, माँ ने भी धोखा दिया। झूठ, फरेब, बेईमानी। हाथ जोड़ा, कान पकड़े, दिल को सुकून ना मिले रे। पैरों में तेरे गिर गया मैं, ठोकर मार तू चली रे। बिना मिले 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 नहीं जाएंगे। माफी दे 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 फिर ही मानेंगे। कुछ भी बोले 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 फिर भी गाएंगे। मेरी फोटो तू अखबार में छपवा ले। बस कर दे, तू जिद करना, तेरे लिए दिल बना फितूर है। तू ही अब बनी मेरा दस्तूर है। मानेगी तू, जानेगी तू, दिल जो कह रहा कब से कब से। जितना चाहे कर ले मनमानी, मान लिया मैंने तुझको रब से। आहिस्ता आहिस्ता उन सब की उधारी चुका कर उसके भाई के पैर ठीक होने के बाद मैंने सोचा कि सबको अलविदा कहकर बैंकॉक चला जाऊं। लेकिन ऐन वक्त पर एक सिरफिरे की एंट्री हो गई। बताओ क्या हुआ? जेल में लड़ाई की इसने, चोट लगी है। दर्द हो रहा है? इधर अभी हुआ? क्या हुआ इधर? वैसे तू हथौड़ा लेकर क्यों मार रहा है? दर्द है या नहीं है जानने के लिए। हथौड़ा लेकर मारेगा तो दर्द होगा? हाँ होगा। मुझे दर्द नहीं होता। किधर चलना है? सॉल्ट गोला, चल जल्दी। ए सुनना, हाँ टेप रिकॉर्डर है क्या? है ना, तो गाना चला। बस यही रोक ले। 150 हुए, 150 ले। ये क्या, तू जेल से भाग के आया है? ए, कहाँ जा रहा है? इधर आ, इसे तोड़। मैं नहीं तोड़ूंगा। ए, जो कह रहा हूँ कर, तोड़। चिल्ला क्या रहा है बे? उठा के पुलिस स्टेशन में पटक दूंगा। अब रो किस लिए रहा है? यार लड़की की वजह से जेल गया था,
प्लीज भाई मेरी मदद कर दे। लड़की की वजह से? हाँ। अगर ये सच है तो मैं इसे जरूर तोड़ूंगा। You know, all the problems in this world is just because of girls. Yes. Then open. Come on. Love you, brother. तुझे जेल जाना पड़ा? All because of girls. और मैं ऑटो चला रहा हूँ। Do it. सब लड़कियाँ ही करवाती हैं। Thank you, मेरे भाई। Thank you. Yeah? क्या हुआ? क्या हो गया बे? क्या हुआ भाई? कभी रोता है तो कभी नॉर्मल होता है। मैंने ऐसा किया? और क्या, तू ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए सब मुझे साइको कहते हैं। पता नहीं, मुझे भी रोग कहते हैं। किस लिए कहते हैं पता नहीं। भाई मेरे, नॉर्मल लोगों को हम जैसे लोग पागल ही नजर आते हैं, सच कहता हूँ। लोग तुझे रोग कहते हैं, मुझे साइको कहते हैं। जस्ट लुक एट देम, जिधर भी जाओ लड़का लड़की के पीछे पड़ता है। लड़की की जरूरत खत्म हुई, देन डंप हिम। सेम स्क्रीन प्ले, नथिंग क्रिएटिव। पर मेरे भाई, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ। एक खूबसूरत लड़की से प्यार करके शादी करना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। कितना अच्छा होगा ना, है ना भाई? तुझे भी अच्छा लगा ना? हाँ, अच्छा लगा। एक नई नवेली दुल्हन सजकर आपके साथ आपके कमरे में आती है, अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। बट दिस इज वॉट आई लव टू डू। एक छोटा सा ब्लेड लेकर उसके कोमल हाथों को काटो काटो काटो। इसीलिए लोग तुझे साइको कहते हैं। ब्लेड से काटना गलत है। क्या बोल रहा है तू? अकल नहीं है क्या तुझे? ये क्या दोस्त, तुम तो गुस्सा हो रहे हो। काय का दोस्त? अरे दोस्त, माय फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है। मेरे दोस्त, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। क्यों, किस लिए? मूड कर रहा है, ठीक है दे दे। लेकिन भाई, पहले अपने दोस्त को हग तो कर ले। फिर से रोएगा तो नहीं? प्रॉमिस, नहीं रोऊंगा। चला जा। लव यू मेरे दोस्त। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, 150 रुपीज अगली बार दे दूंगा। शुक्रिया। ओला, मेरा प्यारा दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। वो फरार हो चुका है, ये बात मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंट की इज्जत जाएगी। उसे हॉस्पिटल किसने ले जाने के लिए कहा था? ऐसा नहीं है सर, वो एक कैदी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ले गए, यही प्रोसीजर है। उसने कहा पेट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल है, तो क्या करते? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे गाने के रिहर्सल के लिए जाना है, आप उससे कह दोगे? मुझे देर हो रही है। यू नो व्हाट, आज ऑटो की स्ट्राइक है, नहीं पता? ऑटो की स्ट्राइक? हाँ, या। अरे पर मुझे जाना है, अब मैं क्या? कहाँ जाना है तुम्हें? दर्जी पाड़ा। ले तो चलूंगा लेकिन ऑटो नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, अपनी बाइक है ना? ये चलेगी क्या? व्हाट डू मीन? देखो दोस्त, उस गाड़ी को उठाओ, उसे किक मारो स्टाइल से। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, बताओगे? हाँ पूछो। उस दिन तुम उस लड़की को बीच रास्ते में मारना क्यों चाहते थे? मारना नहीं चाहता था, जान से मारना चाहता था। अरे पर उसने किया क्या है? क्या किया है? धोखा दिया है मुझे। तो क्या मार ही डालोगे क्या? हाँ, लड़कियाँ बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं। They are like flowers.
फूलों की तरह। उतरो, पहले उतरो, यहाँ सामने आओ। लड़कियाँ फूल होती हैं। तू भी फूल है, वो भी फूल है, तो हम कौन है? कांटे हो। तो फिर सोए हुए इस कांटे को उठाकर ड्रॉप करने को क्यों कहा? अब जाओ, यहाँ से चलकर जाओ। सॉन्ग प्रैक्टिस के लिए जाना था मुझे। मुझे भी सॉन्ग प्रैक्टिस के लिए जाना था, मेरा गिटारिस्ट वेट कर रहा है। प्लीज, मुझे देर हो रही है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। जाओ यहाँ से। हेलो, कैसी हो मेरे डार्लिंग? नो, तुम्हारे लिए यहाँ पर आया, तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ, और तुम क्या कर रही हो? भाग रही हो? नॉट फेयर बेबी, नॉट गुड एट ऑल। तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाकर मैं अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। I missed you so much. Just one kiss. No. What? Just one kiss, please, please. Just one kiss. आ मेरे दोस्त, हाय। यहाँ कैसे आना हुआ? क्या हुआ भाई? भाई वो तेरे पीछे क्यों आकर छिप गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे प्यार करती है? नहीं। तो क्या तू उससे प्यार करता है? नहीं। चलो अच्छा हुआ, पता है क्या, आई लव हर वेरी मच। ए भाई, वो लड़की मेरी है, लाना, वो मुझे दे दे, ला। अगर इसकी मर्जी है तो ले जा, जबरदस्ती मत कर। मेरे दोस्त, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ओके? मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वैसे मैंने तुझे 150 देने हैं ना, एक्स्ट्रा 50 ले लियो भाई, ओके? चला, ये लड़की मुझे दे दे। नहीं दूंगा। क्यों? इस वक्त ये मुझसे मदद मांग रही है। As you wish.
आज मैं तुझे मार कर उसे ले जाऊंगा। मैं भी तुझसे वही कह रहा हूँ, मुझे मार के इसे ले जा। गन तो लोड करने दे। तो लोड कर। गुड बाय दो। इस लड़की ने क्या किया था ये नहीं पता, लेकिन वो आदमी बहुत ही गुस्से में था। पर मुझे इस बात का यकीन था कि वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। अंजलि कहाँ जा रही हो तुम? अंजलि कहाँ जा रही हो? ये टिफिन किसके लिए ले जा रही हो? जो बाहर बैठा है। तो तुम क्यों ले जा रही हो? वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, उसे एक वक्त का खाना देना कोई बुरी बात नहीं है। उसके साथ क्या किया? किससे क्या किया? उस साइको के साथ। मैंने क्या किया? उसे धोखा दिया ना तुमने। उसी ने कहा था, तुम्हारी वजह से वो जेल भी गया था। तुम्हारी आवाज उसे भाग गई और तुमने उसका इस्तेमाल किया। सारी लड़कियां एक जैसी। असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। जब तक सुनोगे नहीं मैं खाने नहीं दूंगी। मैंने उसे फाइनल ईयर में देखा था। मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी सुनीता, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। एक दिन कॉलेज में वो पेट्रोल से भरा बकेट लेकर आया था। एंड दिस इज अ पार्टीशन विद ए मिस्टर। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? कौन हो तुम? दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मुझे मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। छोड़ो से, मैंने कहा इसे छोड़ो। टीचर, स्पैनिश में टियामो का मतलब जानती हैं? मैंने वही इससे हर बार बोला। टियामो का मतलब? टियामो का मतलब आई लव यू। लेकिन इसने मुझसे सिर्फ नफरत की। प्लीज, आज मैं इसके ऊपर पेट्रोल डालकर इसे जला दूंगा। प्लीज छोड़ दो इसे, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे छोड़ दो। ये ठीक नहीं है क्या? नहीं प्लीज। ठीक है, मैं समझ गया टीचर। अगर मैंने इस लड़की को चलाया तो यहाँ पर सबको दुख होगा ना। लेट्स डू वन थिंग। यही पेट्रोल मुझ पर डालकर मुझे जलाने के लिए आप इसे कहिए, ठीक है? ओके? आई कांट लिव विदाउट यू। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। प्लीज प्लीज मुझे मार दो, मैं पेट्रोल लाया हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं डालोगी तो मैं डाल दूंगा। डू इट। भाइयों, किसी के पास यहाँ पर लाइटर होगा? क्यों बे, तू मुझे चलाना चाहता है? और तुझे क्या हुआ? मजाक को इतना सीरियसली लेते हैं? अब तेरी बारी है।
कुत्तों को मारोगे तुम? ए, ए, मैं तो मजाक कर रहा था। ए, मुझे जीने का पूरा हक है यार। ए, 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 देख देख पास मत आ। देख मैं सच कह रहा हूँ। मजाक को सीरियसली कौन लेता है? रुक जा पास मत आ, रुक जा। क्या कर रही है? रुक जा। अरे पागल हो गई है क्या तू? मार डालो इस जानवर को। अब समझे तुम? कल तुमने एक बात कही थी, वो सच थी क्या? कौन सी? मुझे मार के इसे ले जा। मेरे लिए अपनी जान दोगे? तुम अपनी जान भी दे सकते हो मेरे लिए? Today is World Promise Day. Promise? मुझसे प्रॉमिस मांग रही हो? हा? बार बार ये प्रॉमिस मांगने का क्या मतलब है? हा? मतलब कि तुम हम पर भरोसा नहीं करते, तो ऐसे में भला हम क्यों प्रॉमिस करें? हम मर्दों ने कभी तुमसे प्रॉमिस मांगा है? शर्म नहीं आती क्या? हाँ शर्म आती है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं। लड़कियाँ लड़कों का साथ देती हैं, तुम्हारे लिए जान दे सकती हैं, क्योंकि हम तुम्हारी तरह डरते नहीं। वी आर नॉट लाइक यू बॉयज। जा यहाँ से। ए, अपना भाई आ गया। थैंक यू यार, कम से कम मेरे पीछे रोने वाले चार दोस्त तो हैं। अरे चार नहीं भाई, आठ लोग हैं अपन। भाई हमने तो अपनी जान भी दे सकते हैं। जान भी दे सकते हो? अच्छा अगर तुम जान भी दे सकते हो तो मुझे एक बात समझाओ। कौन सी बात भाई? इतने साल में जेल में था तो तुम में से कोई भी मुझे एक बार भी क्यों मिलने नहीं आए? कसम से मिलने आने वाला था, लेकिन यही बिजी रहे, यही थे, यही कर रहे थे सबके सब। और कौन नहीं आया था? ये भी नहीं आया था। ये ले, तुम सब मेरे असली दोस्त नहीं हो। वो है मेरा दोस्त, माय ओनली फ्रेंड, बस वो ही मेरी दिल की धड़कन है। ए, एजाज भाई, उसे मार कर उस लड़की को मेरे पास लिया, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। सर हाँ बैठो बैठो। नमस्ते सर। बैठो, कुर्सी, बैठ जाइए सर। वो साइको जेल से फरार हो गया है, पता है ना? हाँ सर। जानते हो उसने अपनी जेल की दीवारों पे किसका नाम लिखा है? अंजलि। अंजलि? वो तुमसे बदला लेना चाहता है, वो तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। वो मुझ पर हमला कर चुका है, इसने मुझे बचाया था। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैंने ही मना किया था। ए, तुम होते कौन हो? वो मेरी बहन है, उसे कुछ हो गया तो ठीक है, मैं अपने दो कांस्टेबल यहां मफ्ती में रखता हूं। नहीं, मैं ऑलरेडी यहां मफ्ती में हूं, मैं देख लूंगा। hey, सर आप रखिए सर। जरा फोन देना, ये मेरा नंबर है, उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मुझे फोन कर देना, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी। इसका सिंगिंग का प्रोग्राम है बेटा। पहले उसका प्रोग्राम खत्म करो, बाद में अपना प्रोग्राम शुरू कर लेना। ठीक है ना? यही बताने आया था। कमिश्नर ने तुम्हारे बारे में बताया तो यकीन नहीं हुआ। तो तुम सुधर गए? हाँ नहीं सर। ए, मुझे गाले का जा रहा है मेरे बेटे को। चुप रहो, पागल हो गया है क्या? गाले जा रहा है। मेरी बात तो सुन, जवाब तो दे। स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगने की वजह से
दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका से डॉक्टर साहब आने वाले हैं। मैं ये रिपोर्ट उन्हें भेज देता हूँ। ठीक होने की संभावना है या नहीं ये तो वही बता सकते हैं। उनके आते ही मुझे फोन करना। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुको। क्या हुआ? आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो क्यों? जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊंगी। ठीक है चलो। उस ऑटो ड्राइवर को देखा है क्या? इतना साइलेंट ट्रीटमेंट मेरी गर्लफ्रेंड ने आज तक नहीं दिया। ए जवाब देना भाई, आपको एड़ा समझ ले लिए? कैंसिल कीजिए सर, इसका स्पीकर ऑफ है सर। नाम क्या है इसका? अंजलि। मेरी अंजलि का? नहीं सर, भिखारी वाली, मेरी माँ जैसी। बोलती क्यों नहीं है? मैंने भी पूछा था लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया ये गूंगी है। क्या हुआ सर? What is the problem? तू सीक्रेट हो सर जी। You are lucky. कम से कम तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ है। मेरी माँ कब की छोड़कर मुझे चली गई? कहाँ गई सर? वो छोड़, मेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी और उससे वो ऑटो ड्राइवर ले गया। मुझ पर उसे रहम भी नहीं आया। सर 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 नहीं। बता वो ऑटो ड्राइवर कहाँ है? सर वो कहाँ है मुझे कोई आइडिया नहीं, पर मेरा रूममेट भी ऑटो चलाता है। आज ही जाकर मैं उससे पूछता हूँ सर। कहीं तेरा रूममेट वही तो नहीं है? अरे सर वो कहाँ और ये कहाँ, वो तो लड़की देखते ही 100 कोस दूर भागता है, टैलेंट नहीं है उसमें। एक काम करता हूँ सर, अगर आप पे प्रेशर है तो मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। मैं किसी प्रेशर में नहीं हूँ। एक फोन कर लेता हूँ सर। रहन दे। बस एक फोन सर। मैंने कहा ना रहन दे। थोड़ा है आज का कलेक्शन। देख बेटा मेरे पास एक लिस्ट और है, अगर तूने वो सब वसूल करवा दिए तो समझ ले तेरा टारगेट पूरा। काम तो तू जानता ही है। मुझे लिस्ट दीजिए। सुन, ये आदमी बड़ी बदतमीजी से बात करता है, तू कुछ भी कर लेकिन इस आदमी से पैसे वसूल कर। हेलो इजाज खान। हाँ। तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है हांगकांग से। हांगकांग? कौन? नुसरत फतेह अली खान। क्या है उसमें? बहुत भारी है, लगता है कोई आयरन बॉक्स है। हाँ तो लेके आना बॉस। अभी कहाँ हो? पुराना मिल देखा है? सीधा जा, फिर लेफ्ट ले, फिर यू टर्न ले, उधर एक डेड एंड आएगा, आप उन उधर इच मिलेगा। यहाँ का एड्रेस किसे दिया? भाई पार्सल वाले को। किसका पार्सल आया? नुसरत फतेह अली खान। अबे उससे मरे हुए 20 साल हो गए बेवकूफ। ये पुलिस ट्रैप है, एड्रेस क्यों दिया? अपने से गलती हो गई भाई, पुलिस यहाँ आती होगी। Welcome to my world. Hey, ऊपर वाला जब भी देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। And I love it. I missed you. इजाज़ खान कौन है यहाँ? मैं। क्या है रे? हमें बात करनी होगी। Hey, पागल, जब मैं यहाँ लड़की से बात कर रहा हूँ तो तू बीच में बोलेगा? रिकवरी के लिए आया हूँ, इसे यहाँ से उठा ले जाऊंगा। तू समझ नहीं रहा मेरे भाई, तू इसे यहाँ से नहीं उठाने वाला है, मैं तुझे यहाँ से उठाने वाला हूँ। ठीक है तो अब क्या करूँ? अंजलि छोड़कर चले जा। अंजलि चाहिए, अंजलि चाहिए। छोड़ दे। अगर वाकई तुझमें दम है तो मुझे मार कर अंजलि को ले जा। पैसे कहाँ है? डेबिट कार्ड कहाँ है? निकाल, अबे निकाल, अब चुप क्यों बैठा है? मारना तो क्या सोच रहा है? Oh!
लेली पप्पी लेली मेरी लाइफ बन गई ऑन पब्लिक डिमांड वंस मोर रूप तेरा मस्ताना प्यार अबे तेरी तो बरो भाई बरो भाई लो इसको खून खून निकाल दिया यार छोड़ना नहीं इसको मार दो यहीं पे मार दो मारो मार दो यहीं पे मारो मारो साइको और पुलिस के बीच की मुठभेड़ में एक गैंगस्टर की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में जख्मी हालत में है। इस मुठभेड़ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राधा मोहन की सेंचुरी तो पूरी हो गई, लेकिन साइको बचकर निकल गया है। आप बीच में बेकार ही आ गए सर, वरना मैं तो उसे मार ही देता। किसे मार देता? लाइसेंस तुझे मिला या मुझे? तेरी तो। अंजलि कॉफी लेके आओ। मेरे साथ रहोगे? प्रॉमिस। सर इसे यहाँ से भेज दीजिए। क्यों बे? मेरे घर आकर मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहा है। सर कम से कम आप तो बोलिए इसे जाने के लिए। तो फिर वही बोला। रिलैक्स रिलैक्स अंजलि, इस अंजलि को अंदर लेकर जाओ। कम जो मुजरिम हाथ लगाया उसका नाम क्या है? हाँ? उस क्रिमिनल का नाम? जमाना बदल रहा है। बात क्या है, प्यार करती हूँ उससे? हाँ शायद। जंगल में बहुत सारे हाथी होते हैं, लेकिन रोग एलिफेंट उनमें सबसे खास होते हैं। जब उनकी मर्जी नहीं चलती तब वो पागल हो जाते हैं और पूरा जंगल तहस नहस कर देते हैं। इस तरह के रोग एलिफेंट को प्यार में कैद करना कोई मामूली बात नहीं। इंसानों की तरह ये एलिफेंट कभी धोखा नहीं देते। एक बात कहूँ, ऐसे इंसान को हासिल करने के बाद उसे कभी भी मत छोड़ना। मैंने ये गलती की पर तुम मत करना। आपने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, पर वो औरत जात से नफरत करता है, उन सबके बारे में भला बुरा कहता है। कहने दो, क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है। hey, मेरी बात सुनो, तुम अर्जेंटली इस लड़की को लेकर कहीं और चले जाओ, न जाने वो कब क्या करेगा, कुछ भी पता नहीं। अब कहाँ ले जाऊंगा सर? अरे कहीं भी ले जा इसे, उसको मारने के बाद फोन करता हूँ तो ले आना इसे। कोलकाता पुलिस से मिला हुआ गिफ्ट, जबरदस्ती का हॉलिडे, हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बरसात कहीं और गिरती है और मजे कोई और लेता है, ऊपर से ये लड़की का मूड कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है और इसी बात की टेंशन है। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। तुमने तो फुल टैंक किया था ना? चली भी तो है। अब क्या करें? तुम्हें चलना तो आता है ना? हे वॉटरफॉल, लेट्स गो। अंजलि, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। कम ऑन यार, लेट्स गो ना, कम, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। ए, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। ये जगह तुम्हें पसंद नहीं? नहीं। और ये लोकेशन? नहीं। ओह वेट अ मिनट, इसके पीछे कोई फ्लैशबैक स्टोरी तो नहीं है ना? हाँ है, उसके साथ आया था, टेंट के अंदर रुके थे। टेंट के अंदर? क्या किया अंदर? बताओ क्या किया अंदर?
तीन रात तक रुका था तो तुम ही अंदाजा लगा लो। ए, अब रो क्यों रही हो? बताओ रो क्यों रही हो? अब सेकंड हैंड बॉयफ्रेंड मिला तो और क्या करूंगी? अच्छा, ये कोई शोरूम की गाड़ी नहीं है, सब सेकंड हैंड ही मिलता है। ओके, मुझे तैरना नहीं आता, कूदने के बाद क्या करना है ये भी नहीं पता। आई मिस यू। ए, ये रोना कूदना क्या नाटक है, क्यों कर रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो? वैसे आज तो सुंदर लग रही हो। भीगने के बाद सब कुछ सुंदर लगता है। नो 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 नो, तुम्हारी आंखों में जरूर कुछ है। कुछ भी नहीं। ए बताओ। कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर है, होड़ भी खूबसूरत है। सुनो एक गाना गाओ ना। नहीं गाऊंगी, मेरा मूड खराब है। उसी मूड में गा तो चलेगा। छोड़ो मुझे। तोड़ दे तू रस में, बाहों में मुझे ले ले, आजा करीब। तन्हाई पास जा हर जाए, बाहों में तेरे मैं पिघलूं कतरा, आजा करीब। चल, ये सब कौन है? बचा। अरे यार। नमस्ते। आपकी माँ कैसी है? माँ अच्छी है सर। अंजलि यही रहती है, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे भी नहीं बताया सर। ए बबलू, ये तेरी बुआ का बेड है ना? हाँ अंकल। ए चुप रहो, फील तो लेने दो यार। ए बबलू, बबलू क्या मैं तेरी बुआ से शादी कर सकता हूँ? कर लो अंकल। हनीमून मनाने कहाँ जाऊँ बता? ऊटी। ऊटी? अच्छा ये बता, तुझे तेरी बुआ से लड़का चाहिए या फिर लड़की? लड़की। तो नाम भी बता दे उसका। शकीरा। शकीरा? तू मेरी शकीरा से शादी करेगा ना? कर लूंगा अंकल। तो ये बता हनीमून के लिए कहाँ जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड। क्यूटी पाए रही जादे, मुझे ऊटी भेज के खुद स्विट्जरलैंड जाएगा? हाँ, मुझे पागल समझ रखा है तूने? ए लोग मुझे साइको कहते हैं, लेकिन इसे देख, असली साइको तो ये है। ए रुक, तुझे शादी क्या होती है ये पता नहीं, लड़की क्या होती है ये पता नहीं, और सपने हनीमून की देख रहा है। ए व्हीलचेयर, स्कूल में क्या ये सब सिखाते हैं इसे? ए मेरा गॉगल क्यों पहना बे? ला इधर ला। ए शकीरा के पति, चल अब बता तेरी बुआ कहाँ है? बुआ और सामने वाले अंकल को पुलिस वालों ने कहीं भेजा है। कहाँ भेजा है? पता नहीं। हनीमून पर? हनीमून क्या होता है अंकल? यार कौन कहता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हुँ? मैं इसे भगवान के पास भेजा। छोड़ दो उसे। रुको, रुको। जब क्या कर रही हो? फिशिंग, वी आर फिशिंग फॉर डिनर, मच्छी पकड़ रही हूँ। मजे से मच्छी करी खाकर फिर एक बार किसी दूसरी लड़की के साथ उसी टेंट में सोना पड़ा। क्या हुआ? मुझे कुत्तों से डर लगता है, बचपन में मुझे
एक कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन अभी तो नहीं काटा ना, तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, हर कुत्ता काटता नहीं है। मैं भी वही कहना चाहती थी, सब लड़कियों को तुम एक ही नजर से मत देखो। मुझे पुरानी अंजलि समझकर चांस मत मारो। जब तक अंजलि नहीं मिलती मैं सोने वाला नहीं हूँ, ऐसा साइको का कहना है। साइको इसे अपना प्यार समझता है, लेकिन क्या उसे प्यार का मतलब भी पता है? तो आज हमारे साथ हैं साइकाइट्रिस्ट श्री वीरभद्र सिंह जी। सर मेरा एक सवाल है वीरभद्र सिंह जी, साइको का मतलब क्या है? समवन हु इज मेंटली अनस्टेबल अफेक्टेड बाय साइकोसिस। साइकोसिस? पढ़े लिखे गवार, मैंने साइको का मतलब पूछा था, ये साइकोसिस क्या होता है? मतलब मेंटल सर, एक ही मतलब होता है। पॉइंट है, नहीं जो का बिल्कुल सही है। हाँ सर। यही ना, ये देख रहे तुमने क्या कहा था? साइको लोग प्यार नहीं कर सकते? जरा मेरी आंखों में देखो, देखो अंजलि के लिए कितना प्यार है, ठीक से देखना। मेरी अंजलि को पुलिस ने छिपा कर रखा है। ए कमिश्नर, जब तक मुझे मेरी अंजलि नहीं मिल जाती, मैं शहर की सारी अंजलियों को उठा लूंगा, छोटी मोटी बूढ़ी जवान जैसी भी हो, सारी अंजलियों को उठा लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीवास्तव। पूरा नाम बोल। अंजलि श्रीवास्तव। अंजलि। अंदर चलो चलो। मेरी बेटी, मेरी बेटी। facebook.com अंजलि कोलकाता, इस लिस्ट में जितनी भी लड़कियां हैं सबको उठा लो। अरे हाँ याद आया, अंजलि देवी वो सड़क पर जो भिखारी थी, भिखारन भिखारन, हाँ उसे भी उठा कर लाओ। हाँ हाँ मैं अंजलि देवी ही बोल रही हूँ। पूरा राज्य दुविधाजनक स्थिति में है। अंजलि नाम की सभी लड़कियों के रिश्तेदार आंदोलन में जुटे हुए हैं। पुलिस साइको की तलाश कर रही है। इस घटना से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहाँ तुम इस वक्त? जंगल में हूँ सर। जल्द से जल्द शहर में आ जाओ। क्यों सर? वो साइको शहर में रहने वाली हर अंजलि को किडनैप कर रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। सर आपका एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने क्या कहा था पता नहीं? साइको को मार के तुझे फोन करता हूँ, उसके बाद तू यहाँ चले आना। अभी तक मैं फोन का वेट कर रहा हूँ। उसकी बात को छोड़ो ना, उस साइको ने उसकी पत्नी मेरी बहन को भी किडनैप कर लिया है। तू तो बॉम्ब है, लेकिन तेरे हस्बैंड को मैं जान से मार दूंगा। वो कहां और तू कहां? यू आर सो ब्यूटिफुल, कैन आई डांस विद यू? नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, आई विल टीच यू हाउ टू डांस, इट्स वेरी सिंपल। क्यों बे? अंजलि देवी, हाँ। तेरी माँ उठ क्यों नहीं रही है? अब वो अब इनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। माँ, अपनी माँ को यहाँ से उठकर अपने पास बुला, चल। बुलाना बुलाना माँ को, ये ले। भाई ये अम्मा नहीं पुतला निकला। वैसे इस पुतले को तूने ही रखा था ना? यस सर। अब बता किस लिए? कॉन्सेप्ट।
दरअसल मैं चाहता था कि बैगिंग सिस्टम में क्रांति आ जाए। नहीं मानना पड़ेगा तेरा आइडिया कमाल का था। आई मीन इट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों? एक पुतले को बुर्का पहनाया, उसे अपनी माँ कहा, रोड पर लोग इसके कटोरे में पैसे डालते गए, भैया इसने तो भिखारियों का सिस्टम ही चेंज कर दिया। चिल्लर कहीं के। थैंक यू। इस रत्ती भर के पुतले को अपनी अम्मा बता दिया। और क्या कहा था? हाँ कि ये गूंगी है। तू जानता है मैं कितना रोया? तुझे मैं क्या लगता हूँ बे? बोल भाई। बुरा मत मानना लेकिन ये तुमको एड़ा ही समझ रहा है। पुतले को माँ बताकर मुझे एड़ा बनाएगा तू? अब तू गया। अरे क्रांति गई भाड़ में, मैं लंदन चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। एक साथ इतनी लड़कियों का किडनैप होना शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साइको जिसे ढूंढ रहा है वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही है। ए साइको, सुन रहा है क्या? भाई वो टीवी पे आ रहा है। देख, तुझे जो अंजलि चाहिए वो मेरे पास है। किसी को कुछ मत करना, सिर्फ मुझे फोन करना। तू जहाँ आने को कहेगा मैं वहाँ आ जाऊंगा। टीवी पे मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, दिखाई दिया? कॉल कर इसके नंबर पर। अमेरिका से डॉक्टर साहब आ गए हैं, आपके पेशेंट की रिपोर्ट मैंने इन्हें दे दी है, अर्जेंटली आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं उठा रहा भाई। ऑपरेशन से पैर ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब ने कहा है, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। इतने पैसे मेरे पास नहीं है सर। आज रात को ही डॉक्टर साहब अमेरिका चले जाएंगे, अगर आप 1 घंटे में पैसे अरेंज कर सकते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से बात करके ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, फोन रख। ए, रुक। ए। बिना किसी श्योरिटी के मैं पैसे नहीं देता, यही मेरी पॉलिसी है। तुम्हारे पास कोई श्योरिटी है तो बताओ। आपके लिए मैंने इतने पैसे वसूल किए, विश्वास नहीं है? वो मैं किसी पर ही करता, बिजनेस इज बिजनेस। दस लाख रुपए चाहिए पापा, इसके भाई का ऑपरेशन कराना है, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आज तक मैंने तुम्हें हमेशा नाकारा समझा है बेटा, लेकिन तुम तो एक जिम्मेदार इंसान हो। इनके लिए तुम इतना जो कर रहे हो मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर मुझे गरीब इंसान के पास पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, चाहो तो अपनी माँ से पूछ लो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? क्या तुम सचमुच इस लड़की से प्यार करते हो? ए, रुको, तुझे शहर से बाहर रहने के लिए कहा था ना, उसने कितनों को किडनैप कर लिया, मेरी बीवी भी उसके पास है। सर अर्जेंटली 10 लाख रुपए चाहिए, आप दे सकते हैं? अरे मैं क्यों दूंगा, उसके सर पे जो इनाम है उसे मार के तू रख ले, वो तेरा ही होगा। ए, 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 मैं पैसों की अरेंजमेंट कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, फोन रख। कितने पैसे चाहिए तुझे? 10 लाख रुपए। अरे मुझसे पूछता दे देता। सच में देगा? अंजलि को ले आ। कहाँ आना है? राम बाजार में आ जाना, रनिंग ट्रैम पे मिलेंगे। आता हूँ, चलो। ए, ए, रुक रुक। उस वक्त साइको मुझे भगवान जैसा लगा, लग रहा था साइको के रूप में साक्षात भगवान मेरे सामने आ गए। अंजलि को लेकर मैं ट्राम में चढ़ गया। मैंने कहा मैं पैसे दूंगा और तूने विश्वास भी कर लिया। अब समझ क्या रखा है तूने? अबे रोक क्यों रहा है, मारने दे रहा तुझे यार। मुझे मारने दे मेरे दोस्त। 10 लाख दे दे, बाद में मार ले। क्या कहा? 10 लाख दे, बाद में मार ले। 10 दूंगा तो मैं मार सकता हूँ? यस। आर यू सीरियस? या। तू कुछ भी नहीं करेगा? नहीं। प्रॉमिस? ए, आई हेट प्रॉमिसेस। ये प्रॉमिस होता क्या है? मेरे दोस्त तुझे पता है तू तो मुझसे भी बड़ा साइको है,
ए चिराग। हाँ भाई। तेरे घर पे कितने पैसे हैं? 1,00,000। चेन खींच। चल। तेरा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मेरी आंखों के सामने चोरी हो रही थी, फिर भी मुझे गलत नहीं लग रहा था। किसी भी तरह अंजलि के भाई के पैर ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहता था। जो मिल रहा है उठा ले। चल एजाज, कम ऑन, मूव मूव मूव। ए हैंड्स अप सर। सर सर, बस 1 मिनट। आपसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिए। इससे मांगे, इसने 5 दिए। आधा घंटा और छोड़ दीजिए, बाकी 5 भी ये दे देगा। किसे क्या देगा बे? ए गन नीचे कर, गन नीचे कर। गन को बिना नीचे किए भी चला सकते हैं सर। चलो 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 भाई, निकलो। ये तो डांस बार है ना? हाँ सर। अरे यहाँ पर लड़कियाँ नाचती है ना, और लोग उन पर पैसे उड़ाते हैं। अभी क्यों नहीं हो रहा? वो रात को होता है सर, सुबह नहीं। रात की कलेक्शन? रात की कलेक्शन कहाँ है? सेठ लेके गया। सेठ लेकर गया? वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आखिर पैसे तुझे दे ही क्यों रहा हूँ? हाँ मार डाल इसको। ए, क्या कर रहा है तू? ईमानदारी है कि नहीं तुझमें? ए जॉस, मार। पहले पैसे दे, बाद में मार ले। अरे यार, फिर कौन? रुक रुक रुक। ए मेरे पास एक आइडिया। एक मिनट। हेलो। ए सारी अंजलियां हमारे पास ही है ना? हाँ भाई। उन सब के गले की सोने की चेन निकाल ले। हाँ। ठीक है भाई। सारी चेन्स ले, उसके बाद सोनार के पास जा, बेच कर मेरे पास आ, फास्ट। ओके। अरे चोर चोर, अरे चोर को पकड़ो, अरे भाग रहा है वो, पकड़ो। ये रहे पैसे। इसमें पूरे 10,00,000 है ना? हाँ। एक्स्ट्रा 150 रुपीज डाल इसमें अभी। ठीक है भाई। ये ले तेरे 10,00,000। मैं अपनी बात पर कायम रहा, 1 घंटे के अंदर 10,00,000 अरेंज कर दिए। आज के बाद मेरे कैरेक्टर पर सवाल मत उठाना। मेरा कैरेक्टर सही है, अपनी बात पर कायम रहो। हॉस्पिटल में जाकर पैसे भर देना। लेकिन तुम? मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। मार सकता हूँ तुझे, तू कुछ नहीं करेगा ना? अब क्यों मुझे रोक रहा है तू? मार तो दिया। 10,00,000 दिए हैं तो 10 बार मारूंगा। मैंने क्या कहा था? 10,00,000 दे दे फिर चाहे मार ले। तूने दिए, मार भी लिया, डील डन। नो, तूने चीटिंग की है। तेरा कोई कैरेक्टर नहीं। मेरा कैरेक्टर नहीं है? तुम जाओ, पैसे लेके यहां से निकलो। पकड़ो हम दोनों को। Oh!
किसके लिए रो रही है तू? उसके लिए रो रही है ना तू? अरे मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ और तू उसके लिए रो रही है। उसे मारा तो तुझे जमीन में काटूंगा। साइको की औलाद, ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? तूने ही तो कहा था ना तू इससे प्यार नहीं करता है। मेरे दोस्त, डू यू रियली लव हर? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे बीच में मत आ, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। भाई तुम हार नहीं मान सकते, उठो भाई, भाई उठो। भाई मारना मत। नहीं, एक बात बता, तूने मुझे क्यों बचाया मेरे दोस्त? जाने अनजाने में तूने हमेशा मुझे दोस्त दोस्त कहकर पुकारा। दोस्त को ही मार दो, इतना बड़ा कसाई नहीं हूं मैं। I love you मेरे दोस्त, आ जा एक हक दे दे। ये वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ना? कोलकाता पुलिस। उसने बेकार में ही इसे मार दिया। इस साइको पर मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं, जबकि साइको के वजह से ही मैं अंजलि के नजदीक पहुंच पाया और उसके प्यार को गहराई से समझ पाया। 4 दिन में मुरली ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। अब वो परिवार खुश है, सबको बाय कह चुका था, पर अंजलि से क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना ही मैं कोई प्रॉमिस कर सकता हूँ और ना ही ये बता सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम चाहो तो मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो। तो ये है मेरी सेकंड हैंड लव स्टोरी।